से मूव कराया जाएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले भी सरकार की तरफ से लिए गए। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा हुई थी और कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमने 7 परियोजनाओं को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है। इन सभी 7 परियोजनाओं का लाभ आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को मिलेगा। ये 7 परियोजनाएं 9,271 करोड़ रुपए की हैं, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अभी आज 7 परियोजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। ये सब आदिवासी क्षेत्र के अंदर ही आदिवासी भाइयों को अधिकांश इसका लाभ मिलेगा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सब क्षेत्रों के अंदर। और ये लगभग 9,271 करोड़ की योजना है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है कि सरकार ने जितना नर्मदा जी का जल मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किया था, मुझे याद आता 2003 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी तो शायद हम मात्र 3% ही नर्मदा जी के पानी का उपयोग कर पाए थे, जबकि गुजरात ने और महाराष्ट्र ने उसका काफी अच्छा उपयोग किया था। पर जब से हमारी सरकार आई है हमने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं, और कदम ही नहीं बढ़ाए हैं, हमने वो हिस्सा जो हमारा हक था उसके अंतर्गत आने वाली सारी योजनाओं पर हमने वो पानी का हिस्सेदारी प्राप्त करने की कोशिश की है। वही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर भी लगातार बैठकों का दौर देखने को